सर अभी यहाँ से क्या खबर निकल के सामने आ रही है? सर देखिए, न्यायालय से जजमेंट आया है जो हमारे खिलाफ पारित हुआ है। अच्छा। और आगे की कार्रवाई जो है नियमानुसार रूप से हम इसकी अपील करेंगे, और आदेश में कई ऐसे अंग जो हैं बताए गए हैं जो बिल्कुल विपरीत है, जो हमने लिखा ही नहीं है उस चीज़ों का उन्होंने तथ्य उजागर किया है, और इन सारी तमाम बातों को लेकर के हम अपील करेंगे और बाकी न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास। सर एक और सवाल, ऐसा पैमाइश किया गया है जिसमें पत्थर का निशान नहीं माना गया, फिर भी जो है कि कैसे निशान लगा दिया गया घर पे? देखिए, प्रशासनिक मंशा है जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, और इसका विरोध किए लेकिन ये प्रशासन के दबाव में सुनवा नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो है अगली कार्रवाई जो है अपील की है, आगे जो भी फैसला आएगा उसको। आपका लगता है कि आपका रिपोर्ट आगे सबमिट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? अब प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए तो अगली कार्रवाई प्रशासनिक ही है, विश्वास तो है लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो फिर जुडिशरी को अपनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी प्रेमचंद्र यादव जी के तरफ से जो वकालत कर रहे हैं उनके तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है। ऐसा उन्होंने बताया है कि जो तहसील है रुद्रपुर तहसील के तरफ से जो है कि ऐसा मतलब आदेश पारित किया गया है कि उनके घर को अब गिराने का ऑर्डर आ चुका है। अब जो है कि इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही जो है कि कोई ऑर्डर निकल के सामने आएगा वैसे जो है कि घर को गिरा दिया जाएगा। अब जो है कि वकील साहब अपने तरफ से जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि देवरिया में जा रहे हैं, और देवरिया में जा करके अपना वकील जो अपना जो है कि अपील दायर करेंगे, उसको लेकर के देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है। जजमेंट के आने का दिन था और आज जजमेंट आया है जो हम लोग के खिलाफ आया है, और उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो बहुत सारी कमियों के साथ दिया है। देखिए, जजमेंट पे उंगली उठाना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जजमेंट में जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अपील करेंगे, और बाकी इसके बाद नहीं है तो हम जुडिशरी को अपनाया जाए। अगला रोल क्या होगा? अगला रोल है अपील करने का, हम अपील करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। और अपील के देखिए, अपील के लिए 30 दिनों का समय है, और 30 दिनों तक नियमानुसार बिल्डर नहीं चल सकता है। यदि ये कानून का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासनिक मंशा अपने आप के मंसूबों को जो है कायम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बेदखली कार्रवाई के बाद क्या लगता है, बुलडोजर पर भी आते हैं? देखिए, बिल्डोजर कार्रवाई जो है वो 30 दिनों के बाद हो सकती है, क्योंकि कानून कहता है ये ऑर्डर तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि 30 दिन पूरे ना हो जाए। मेरे पास अपील के लिए 30 दिनों का समय है, और मेरा इंतजार है कि मैं अपील करूँ, उसके बाद जो भी जजमेंट आएगा हम उसको सुधार करेंगे। ये था कल की चर्चा की हाईकोर्ट में भी आप लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। अभी हम तहसील रुद्रपुर में मौजूद है, और आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जो फतेहपुर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था उसको लेकर के यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। आप सभी को बता दें कि प्रेमचंद्र यादव के तरफ से जो वकालत कर रहे थे गोपीनाथ यादव जी, उनका जो है कि वकालत जो है कि खारिज कर दिया गया, और उनके विपक्ष में फैसला आया है, यानी प्रेमचंद्र यादव का जो मकान है उसको ध्वस्त किया जाएगा, ऐसा जो है कि कोर्ट के तरफ से जजमेंट आया है। और इस जजमेंट को लेकर के जो प्रेमचंद्र यादव के परिवार की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं गोपीनाथ यादव जी, वो जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी देवरिया पहुँच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देवरिया में जा करके क्या कुछ होता है, उनके जो है कि नोटिस को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, उनके जो है कि फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता नहीं, कि तमाम सारे सवाल हैं। और इतना जल्दी में प्रशासन क्यों आखिर कुछ दिनों का समय क्यों नहीं दे रहा, इतनी जल्दी जल्दी जो है कि रिपोर्ट कैसे आ रही है, ये तमाम सारे सवाल जो है कि उभर के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जिले में क्राइम होते हैं, इतना जल्दी कोई फैसला निकल के सामने नहीं आता है, 10-10 साल 15-15 साल लग जाता है एक एक फैसला आने में, लेकिन यहाँ पे आज लगभग 9वां दिन है और 9 दिन में ही घर को गिराने का एक जजमेंट आ गया। ये कौन सा फैसला है, कैसा फैसला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी हम आपको बता दें कि उनके वकील देखिए अभी जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी देवरिया के लिए निकले हुए हैं और एक फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि इसको जो है कि रोका जाए। बाकी ये देखने वाली बात होती है कि उनके जो है कि आगे के जो है कोर्ट में जो है कि सबमिट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं। बाकी कुछ ये इनका अपना ओपिनियन था कि जो है कि प्रशासनिक दबाव की वजह से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, तमाम सारे सवाल है जिस सवालों को लेकर के प्रशासन को कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। बाकी अभी इस तहसील से हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।